हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। कुर्सी बचाने के लिए चीनी राजदूत की शह पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ओली ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों देशों ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते पैदा हुए हालात पर चर्चा भी की। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार के सख्त रुख और नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव के बाद ओली को करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की यह पहल नेपाल की ओर से की गई थी। सीमा विवाद, भारत के राज चिन्ह, अयोध्या जैसे कई मुद्दों पर जहरीले बयान देने वाले ओली ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा, नेपाल भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम बातचीत अप्रैल में हुई थी। ओली के विदेशी मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराय ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता को पिछले कई महीनों से जारी गतिरोध के समाप्ति का संकेत करार दिया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 8 मई को लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल भड़क गया था। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी राजदूत के इशारे पर देश का नया नक्शा पारित कर दिया था, जिसमें भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।